हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ये टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ और कृषा को भी थोड़ी सी चाय दी है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अगर कुछ भी खाती हूँ पीती हूँ तो कृषा को चाहिए ही होता है, तो उसने उसको थोड़ी सी दी है एकदम। और साथ ही साथ मैं उस चाय के साथ कुछ ना कुछ लेती हूँ, कभी फ़ैन हो गया या बन हो गया या ब्रेड वगैरह कुछ भी हो गया, तो ये सब। और कृषा ने यहाँ पर जैसे चाय पी रही थी, थोड़ी सी चाय गिरा दी थी, तो मैं उससे कह रही थी जब कपड़ा लेकर आओ। तो ये देखिए, अभी फ़ैन खाने लग गई, कह रही मुझे भी फ़ैन दे, क्योंकि मैं खा रही हूँ तो उस कृषा को तो खाना ही है फ़ैन। तो बस यहाँ पे जो मॉर्निंग की चाय वगैरह पी के उसके बाद जो है मैं मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं वो स्टार्ट करूँगी। तो इसने बाल खोले हुए थे तो मैंने कहा पहले बाल बांध देती हूँ इसके, मुझे पता है ये फिर दोबारा खोल देगी, बट मैं बीच बीच में जो है इसके बाल बांधती रहती हूँ, क्योंकि बाल जो है आँखों में लगते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय वगैरह पी ली है और देन अब मैं यहाँ पर ही आपको कपड़े दिखा रही हूँ। मैंने जो है कल इवनिंग में मशीन लगाई थी, मैं इवनिंग में ऐसे लगाती नहीं हूँ, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो इसलिए मैंने इवनिंग में लगा ली। तो यहाँ पर देखिए, उस बालकोनी में थोड़े कपड़े सूख रहे थे और यहाँ पर कुछ थोड़े कपड़े वगैरह हैं, चादर वगैरह जो भी सब कुछ यहाँ पर हैं। और जो थोड़े हैं अभी इस वाले रूम में रखे हुए हैं, मंदिर वाले रूम में, क्योंकि बालकोनी में इतनी जगह नहीं थी, साड़ी वगैरह चादर वगैरह और ये जो पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह भी सब यहीं पर टांग रखे हैं। मैंने कहा पहले झाड़ू वगैरह लगा लूं और तब तक ये और जो कपड़े हैं ये भी थोड़े धूप में अच्छे तरीके से जो हैं सूख जाएंगे, उसके बाद जो हैं वो एक्स्ट्रा कपड़े तब लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ बालकोनी में, क्योंकि आपने देखा मशीन जो है अभी अंदर कमरे में ही रखी हुई है, क्योंकि बार बार हटा के तो झाड़ू नहीं लगा सकती मैं, मशीन को बार बार हटाऊँ फिर झाड़ू लगाऊँ, तो मैंने सोचा मशीन हटा ही रखी है तो मैं झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ। मशीन में मे भी 1.5 महीने से तो ऊपर हो गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना, तो 1.5 महीने से तो ऊपर हो गया। तो मैं बहुत टाइम बाद मैंने मशीन लगाई, वो भी इवनिंग में, मुझे पता है मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी और कृषा भी आ गई थी रिमोट लेके कि चेंज कर, कभी कहती है चेंज कर, कभी कुछ। मुझे काम करते करते मुझे बहुत बार उठना पड़ता है, ये नहीं कि मैं अगर झाड़ू लगा रही थी सिर्फ झाड़ू ही लगाती रहूँगी, बीच में बहुत उठना पड़ता है। कभी ऐड जैसे कार्टून वगैरह देखती है तो ऐड वगैरह आ जाती है, कभी वो चेंज कर, कभी इसको कुछ और देखना होता है, कभी कुछ। झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत बार बीच में उठना ही पड़ता है, इतना ईजी नहीं होता। तो उस साइड जो है झाड़ू वगैरह लग गई थी, तो अब इस साइड भी मैं लगा रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मशीन वगैरह हटा रखी है तो अच्छी तरीके से लग जाए ना तो सही रहता है। और अब देन उसके बाद जो नॉर्मली बस मैंने जो है और सब कमरों में, बालकोनी वगैरह में सब जगह लगा लिया था झाड़ू, और मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा बार, क्योंकि मैंने जो है और भी वीडियो में मैंने अपना जो है प्रॉपर वे से एकदम मॉर्निंग रूटीन वगैरह सब बना ही रखा है, तो मैंने कहा पूरा दिखाऊंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है लंबी वगैरह है वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मंदिर वाला जो रूम है यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, और ये जो साड़ी वगैरह रखी हैं इसको अब मैंने कहा झाड़ू वगैरह लग जाए उसके बाद ये सब जो है सुखाऊंगी। और देखिए जो कृषा का है इसमें खेलती है, तो मुझे इस तरीके से ना हटा हटा कर ये जो है झाड़ू पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। पहले उस साइड की लगा लेती हूँ, जब उस साइड लग जाता है जो जो खेलती है जिसमें जो इसका है ये, तो उसको मैं दूसरी साइड कर देती हूँ, ऐसे तरीके से मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो जो है झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है और अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ मशीन। और मैंने जो है बालकोनी में ना पोछा लगा दिया था, क्योंकि फिर मशीन वगैरह उधर रहती है, मुझे थोड़ा फिर और पोछा वगैरह लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा पहले ये जो है इस बालकोनी में पोछा लगा देती हूँ फिर मशीन रख देती हूँ। और यहाँ पर कृषा देखा आपने, खेल रही थी, वो भी खेलती रहती है, टीवी देखती रहती है, और बीच बीच में मैं इसको कभी कुछ देती रहती हूँ कभी कुछ। और यहाँ पर जो है चादर वगैरह ये जो है सब सूख गई हैं, तो ये जो साड़ी वगैरह ब्लाउज पेटीकोट वगैरह सब पड़े हुए थे और एक चादर और थी, तो मैंने कहा ये भी सुखा ही देती हूँ ये हटाकर, क्योंकि इवनिंग में लगाई थी मशीन तो पूरी रात और सुबह धूप वगैरह अच्छे तरीके से लग चुकी है, क्योंकि सुबह जो है धूप 6 साढ़े 6 बजे के करीब आई जाती है और इतनी गर्मी हो रही है और हवा वगैरह थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चलती है तो सूख जाते हैं गर्मियों में तो वैसे भी कपड़े जल्दी। तो मैंने देखा आपने कि जो है मैंने कपड़े वो सुखा लिए हैं जो एक्स्ट्रा थे,
इवनिंग में होता है ना कि थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ फटाफट। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं इसलिए। और यहाँ पर अब मैं धोने आ गई हूँ, कपड़े धोने आ गई हूँ, क्योंकि इतने तो नहीं थे, बट जो एक आपने भी साड़ी देखी होगी, मुझे मेन वो धोनी थी। मैंने वो मशीन में नहीं धोई क्योंकि इसमें ये देखो साड़ी है जो इसमें थोड़ा वर्क कर रखा है। अगर मशीन में धोंगी तो मशीन घूमती है, फिर जो है इसने जो भी इसमें सारा वर्क होता है, जो मोती वगैरह थोड़ा हैवी वर्क होता है, तो थोड़ा निकलने का डर लगा रहता है, ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो इसलिए जो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मशीन में सही नहीं है धोना, तो मैं उसको नहीं धोती। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे मैंने कहा मॉर्निंग में ही धोऊंगी, तो इसलिए मैंने भिगो के रख दी थी। आपको जैसे पता है मैं कैसे वॉश करती हूँ कपड़े, मैंने बहुत बार बता रखा है वीडियो में। तो जो जो कपड़े थे हल्के फुल्के कपड़े थे और ये साड़ी थी, तो मैंने वो साफ़ कर ली है, धो ली है, उसको अभी मैं ड्रायर करूँगी मशीन में। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ मैंने कहा डस्टबिन वगैरह भी धो लेती हूँ। मैं डस्टबिन को मैंने भिगो दिया था पहले ही, क्योंकि जो भी सारा गंद वगैरह है वो निकल जाता है। जो भी चीज़ होती है मैं भिगोने के लिए रख देती हूँ पहले, और अच्छे तरीके से मैंने जूने वगैरह से रगड़ लिया है। और थोड़ी देर मैं इसको डिटॉल में डाल लूँगी और थोड़ा पानी डाल लूँगी, भिगोने के लिए रख दूँगी। क्योंकि डिटॉल वगैरह डालना, जो भी डस्टबिन के अंदर स्मेल वगैरह होती है, थोड़े बहुत जो कभी कभी कीड़े वगैरह छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं, वो थोड़े नहीं आते हैं तो सही रहता है। तो मैंने भिगोने के लिए रख दिया है डस्टबिन को थोड़ी देर उसमें डिटॉल में। और जो आपने देखा मैंने कपड़े भी ड्रायर में सुखाने के लिए वहाँ पर अभी डाल दिए मशीन में। और मैंने कहा तब तक ये जो है कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि धूप अच्छे तरीके से लग चुकी है, सब सूख गए हैं। बस एक जो जीन्स वगैरह है हस्बैंड की, वो थोड़ी नहीं सूखी है, साइड में से हल्की हल्की सी गीली हो रही थी, मैं चेक कर रही थी। और ये देखिए क्रिशा जो है, आपने देखा ही होगा कि मैं कपड़े निकालती रहती हूँ, क्रिशा जो है पकड़ पकड़ के रखती रहती है। और क्योंकि बालकोनी में इतना स्पेस भी नहीं है, फिर क्यों जो कपड़े धोए हैं वो भी करने हैं, इसलिए मैंने कहा निकाल ही देती हूँ। तो चलिए पहले मैं सारा काम वगैरह मैं कर लेती हूँ, पोछा वगैरह, और भी क्रिशा को कुछ खिलाना पिलाना होता है, तो थोड़ी देर में आपसे मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, जो मेन मेन काम होता है। और जो कपड़े जो मैंने बताया था, जैसे मैंने कल इवनिंग में वॉशिंग मशीन लगाई थी जो सूख गए थे, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और धूप भी लग गई थी अच्छी तरीके से। और जो जो सूख गए मैंने यहाँ पर जो है सारे कपड़े यहाँ पर निकाल दिए हैं। अभी तो आपको थोड़े से दिख रहे होंगे क्योंकि एक के नीचे एक है। और यहाँ पे जो है चादर वगैरह ये भी निकाल दिए, सब अभी यहीं पर रखे हुए हैं। जब अभी थोड़ा सा सारा वो काम हो जाएगा तो मैं तब जाके थोड़ी देर बाद फोल्ड करूंगी। और जो थोड़ी बहुत साड़ियां वगैरह धोई थी वो भी मैंने सब सुखा लिया बालकोनी में। और ये देखिए थोड़े पायदान वगैरह थे, मैंने कहा ये भी धूप में लगा देती हूँ। और जो साड़ी वगैरह थी और हल्के फुल्के जो कपड़े वगैरह थे, ये सब मैंने यहाँ पर धूप में लगा दिए हैं। तो अब मैं लगा लेती हूँ, हेयर पैक लगाना है और मुझे फेस पैक लगाना है, तो मैंने सोचा पहले लगा लूँ, उसके बाद जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, जैसे भी दूध रखना है उबालने के लिए और दाल वगैरह बनानी है दोपहर को, तो दाल वगैरह भिगो के रख लेती हूँ। मतलब जो भी छोटे मोटे काम है वो भी साथ साथ मैं कर लूंगी, तो उससे पहले मैं हेयर पैक और फेस पैक लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं जो फेस पैक और हेयर पैक लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हिबिस्कस का फ्लावर पाउडर, ऑरिगेंस का। ये हेयर पैक और फेस पैक दोनों के लिए है। और जैसे कि आपको पता ही है मैं ऑरिगेंस के प्रोडक्ट आजकल यूज कर रही हूँ, तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। और मैं थोड़ा ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर और फेस दोनों पे लगाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी। और मेरे जो हेयर है थोड़े हैवी से है, तो थोड़ा सा ना ज्यादा लगती है हर चीज, तो चलिए पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फेस पैक और हेयर पैक दोनों बना रही हूँ। और जितना मुझे लेना है अपने हेयर के अकॉर्डिंग, फेस में तो इतना नहीं लगता, बट जो हेयर की जिसकी जितनी ग्रोथ होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको उतना पाउडर ले लेना होता है। तो उस और साथ ही में ये जो मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल, तो ये ऑरिगेंस का कोकोनट ऑयल था मेरे पास। आप कोई सा भी डाल लीजिएगा, आपके पास पैराशूट का और कोई भी होता है तो उसको डाल लीजिएगा, और उतना ही लीजिएगा। मुझे मैं तो अपने आइडिया से डाल रही हूँ। जैसे आप कोकोनट ऑयल आपने 4 चम्मच लिया, तो 4 चम्मच लेने के बाद जो पानी है उससे 3-4 चम्मच थोड़ा एक्स्ट्रा डालिएगा। और मैं वैसे ही करती हूँ, जो ऑयल है वो थोड़ा कम डाला है मैंने कोकोनट ऑयल, और पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। तो इस
तरीके से जो है देखिए मैं इसका जो है पेस्ट वगैरह सब बना लेती हूँ। और आपको जैसा पता ही है कि ओरिगेंस के मैं आजकल जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो सारे जो होते हैं प्योर और नेचुरल होते हैं और ये मेड इन इंडिया है होता है। और इसका जो नेट वेट है, इसका ओरिगेंस का जो हिबिस्कस का फ्लावर पाउडर है, इसका मेड इन इंडिया है और इसका नेट वेट 100 ग्राम है। और अब मैं यहाँ पर लगाने आ गई हूँ। तो अच्छे तरीके से आपको जो है हेयर के अंदर जो अच्छे तरीके, यानी कि आप भारी भार लगा लें उसको अच्छे तरीके से अंदर से लगाएं, क्योंकि ये जो होता है हेयर को जो है इसका हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और जो अब हेयर की लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है और हेयर को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और किसी किसी को जैसे डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है काफ़ी हद तक। अब ये नहीं कहेंगे कि एकदम से आप लगाएं और एकदम से जो भी है सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए, आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको उसका धीरे धीरे एकदम रिज़ल्ट आएगा। और देखिए मैं अंदर से अच्छी तरीके से लगा रही हूँ, ये नहीं कि मुझे मैं बाहर बाहर से ही लगा लूँ। तो मेरा जो है यहाँ पर सब लग गया है और अब मैं लगा रही हूँ फेस में। और जो ये हिबिस्कस का फ्लावर पाउडर है ये फेस को जैसे ग्लो प्रोवाइड करता है, जो भी पोर्स वगैरह होते हैं उन्हें क्लीन करता है, और क्योंकि इसमें जो है विटामिन सी वगैरह होता है। और आपकी जो स्किन में जैसे ऑयल वगैरह होता है, किसी इसमें ऑयल वगैरह जैसे ज़्यादा होता है स्किन के अंदर, तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। और मैंने बता ही दिया है कि इसको बनाना कैसे है। तो आपको ये नहीं कि एकदम जो है अब मैं लगा रही हूँ पूरा एकदम अच्छे तरीके से जो है, कोई कोई होता है ना एकदम बस थोप लेते हैं, वैसा नहीं करना है। तो मैंने अच्छी तरीके से अंदर से थोड़ा बाहर जो बच गया था उसको पोंछ वगैरह लिया है और जो भी है धो वगैरह लिया है। और मैंने जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कल लगा रखा है और जो हल्के फुल्के काम है थोड़े वो भी साथ में निपटा लेती हूँ, जैसे दूध वगैरह मैं इसको चढ़ा लेती हूँ गैस में, और जो भी बर्तन वगैरह हैं ये सब मैं रख देती हूँ, और दाल भिगोने के लिए मतलब जो भी काम होते हैं छुटमुट वगैरह से काम होते हैं वो साथ ही साथ रख देती हूँ, क्योंकि मेहंदी वगैरह तब तक अब आधे घंटे के अंदर इसको धो लीजिएगा और फेस का पहले ही धो लीजिएगा। और क्योंकि मैं जो फेस वगैरह का होता है वो मैं ज़्यादा एकदम जो है कोई कड़क कड़क सा हो जाता है ना मैं वैसे नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा धो के यहाँ पर हो गई हूँ, मैं यहाँ पर रेडी। तो मैंने नहा लिया है अच्छी तरीके से, हेयर वॉश वगैरह सब कर लिए हैं और थोड़ा सा ना अच्छा सा रिलैक्स सा फील हो रहा है। बाल थोड़े सूख गए हैं क्योंकि मैंने जो टॉवल से ना मैं रैप करके रख लेती हूँ, थोड़े हल्के से सूख जाते हैं, ज्यादा नहीं सूखे मगर हल्के से सूख गए हैं। और थोड़ा सा मैं आज ये लगा लेती हूँ, लिवॉन का सीरम लगा लेती हूँ। मैं वैसे लगाती नहीं हूँ, आपने देखा होगा मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ, रेयरली लगाती हूँ। आज मन करा मैंने कहा चलो हेयर पैक लगाया तो थोड़ा ये भी लगा लें। अभी बाल अच्छे तरीके से ना सूखे नहीं है तो मैं क्लचर लगा रही हूँ, बाल अभी बना नहीं रही हूँ। और मैं यहाँ पर दूध लेकर आ गई हूँ और थोड़ी सी नमकीन लाई हूँ, जो चुराव होता है वो एकदम लाइट से नमकीन है। और दूध पीने के बाद ये जो सारे चादर वगैरह है और ये जो इतने सारे कपड़े वगैरह है ये सब फोल्ड करूंगी, कुछ प्रेस के भी हैं। और हाँ मैंने जो अपना जो ज्वाइन बटन है वो इनेबल कर लिया है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जहां मैं चैनल को ओपन कीजिएगा नीचे ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिख जाएगा आपको, तो आप वहां पर अगर करना चाहें, और जो भी सारे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है वहीं पर आपको सब कुछ दिख जाएगा जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे।
और तो चलिए मैं भी करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का जो व्लॉग है अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने ओरिगेंस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।